एवरीवन वेलकम टू बोजोन मेडिटेक एंड आई एम रविंदर पाठक। गाइस रितेश है, ये मुंबई सतारा से है और महाराष्ट्र स्टेट। इन्होंने ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट किया है बोजोन मेडिटेक के थ्रू। अभी तास्कन मेडिकल एकेडमी के हॉस्टल में है और मैंने आप लोगों ने सुना होगा ऑनलाइन। ऑनलाइन कहने का मतलब ये है गाइस कि काफ़ी सारे ऐसे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स हैं जो मेरे व्यूअर्स हैं और मेरे वीडियोज़ देखते हैं, लेकिन डाउट होता है कि अगर मैं ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस दूसरे सिटी में है कंसल्टेंट उसके थ्रू लूँ तो क्या सर्विसेज अच्छी मिल पाएगी। तो ऐसे ही डाउट्स हैं, तो मैं आज इस बच्चों के इस स्टूडेंट्स के थ्रू सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा, सो दैट अगर आप भी डिसीजन लेते हैं हमें चूज़ करने का तो फ्यूचर में आप रिग्रेट नहीं करेंगे। रितेश, आपने बोजोन मेडिटेक को चूज़ किया, सारा एडमिशन प्रोसेस रहा है, तो जो भी आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ रहा है बोजोन मेडिटेक के थ्रू वो आप बता सकते हैं। बोजोन मेडिटेक से के थ्रू ऑनलाइन किया था मैंने प्रोसेस, तो मुझे लगा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा ऑनलाइन की वजह से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, बहुत इजी गया था। और लास्ट ईयर मैं यूक्रेन में था तो उस टाइम मैंने एक एजेंट से किया था जो लोकल था हमारे यहाँ का, तो एक मेंटेलिटी होती कि लोकल से इजी हो जाएगा, लेकिन सब फैसिलिटीज़ उसने दी बढ़िया से, लेकिन यूक्रेन में जाके पता चला कि मैंने डबल पैसे दिए थे उसे। अच्छा, तो इस साल आपसे किया तो बहुत बढ़िया हो गया, सब स्मूथ चला तो सही है। और जैसे मैंने आपको बोला था कि आपको हॉस्टल फैसिलिटी ऐसी मिलेगी कि ट्यूशन फी इतना होगा, ओवरऑल मैथ्स का हॉस्टल का जो भी अदर चार्जेस हैं सारा इतना होगा, तो वही सारे चार्जेस आपसे चार्ज किए गए हैं? हाँ सर, जितना आपने बताया उसी में हो गया था, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस बिल्कुल नहीं लिया। जैसे कई बार कुछ कंसल्टेंट बोलते हैं ना, नहीं आपसे कम लिया जा रहा है, हो सकता है आपसे बाद में ज्यादा लिया जाए, ये जो भी चीजें होती हैं, तो ऐसा कुछ आपके साथ हुआ? नहीं, इस साल बिल्कुल नहीं हुआ, इस साल बिल्कुल नहीं हुआ, लास्ट ईयर हुआ था। लास्ट ईयर हुआ था, एक लोकल एजेंट था। तो गाइस हमेशा लोकल एजेंट या फिर ऐसा नहीं है कि जो दूर बैठा है यूट्यूब पे है वही अच्छा होगा, आपको अपने दिमाग से और अच्छे से डिसीजन लेना है कौन सही और कौन गलत है। हर जगह लोग सही और गलत होते हैं, चूज आपने करना है। आप अगर बेस्ट चाहते हैं तो आप बोजोन मेडिटेक को चूज कर सकते हैं, बिकॉज बोजोन मेडिटेक आपको वही यूनिवर्सिटी या कंट्री सजेस्ट करता है जो मुझे लगता है कि एक स्टूडेंट्स के लिए अच्छी यूनिवर्सिटी है, अच्छी कंट्री है, और इसके अलावा जहां मैं जानता हूं कि हाँ मैं बच्चों को लेके जा सकता हूं, मैं छोड़ सकता हूं, बच्चों को फैसिलिटी मिल सकती है अच्छी, मैं ऐसी ही यूनिवर्सिटी या कंट्री आप लोगों को सजेस्ट करता हूं, क्योंकि डिग्री और जो आपका मेडिकल स्टडी है वो मैटर करता है, लेकिन उससे पहले ये भी मैटर करता है कि जब बच्चा किसी यूनिवर्सिटी में जा रहा है तो उसको बेसिक फैसिलिटी तो मिले, सो दैट अगर बेसिक फैसिलिटी मिल रही उसे तभी वो अच्छे से स्टडी कर पाएगा। तो बेसिक फैसिलिटी हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना चाहिए, सो दैट बच्चे की जो स्टडी जर्नी है वो हैसल फ्री हो और वो अच्छे से स्टडी करके और अपना ड्रीम फुलफिल करके कंट्री बैक हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।